हेलो फ्रेंड, स्वागत है। टैली के इस भाग में मैं आपको लेजर बनाना सिखा रहा हूँ। देखिए, टैली में सबसे पहले लेजर क्रिएट करनी पड़ती है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, कोई भी एंट्री करने से पहले आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर 34 पहले से ही ग्रुप बनाकर दिए हुए हैं टैली वालों ने, 34 ईआरपी वालों ने ऑलरेडी ग्रुप बनाए हुए हैं 34। अब हम नई लेजर बनाना सिखा रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, सिंगल लेजर कैसे बनाते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं, मल्टीपल लेजर कैसे तैयार करते हैं और उसको अल्टर कैसे करते हैं, ये सब बताने जा रहा हूँ। तो लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप सिंगल पे आएँ और या तो सी दबा दें या फिर एंटर प्रेस कर दें क्रिएट के ऊपर एरो ला के। सबसे पहला, जैसे कैपिटल्स के अकाउंट होते हैं, जैसे एज कैपिटल, कैपिटल वगैरह के जितने भी अकाउंट बनेंगे उन सब का ग्रुप कैपिटल ही आएगा। और यहाँ पर एलिस होता है जैसे उसका छोटा नाम, जैसे मान लीजिए ए को हम घर पे बबलू कहते हैं, तो या इसका कंपनी का नाम है सीपी लिमिटेड, यानी अगर आप, या कोई भी इसका शॉर्ट नेम है आप इसका शॉर्ट नेम यहाँ लिख सकते हैं, या दूसरा नाम कह सकते हैं हम इसको, यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो खाली आप एंटर दबाएं। कैपिटल किस ग्रुप में आएगा, यहाँ पर जैसे मैंने सी दबाया है, वो सी दबाते ही सी वाले सारे नाम हाईलाइट हो गए हैं। तो क्योंकि हम कैपिटल का ग्रुप बनाने जा रहे हैं, तो कैपिटल किस ग्रुप में आएगा, कैपिटल कैपिटल ग्रुप में आएगा। यहाँ पर उसका नाम, यहाँ पर उसका एड्रेस, यहाँ पर उसका स्टेट, यानी कंप्लीट डिटेल लिखनी है आपने। यहाँ पर पिन कोड, बैंक डिटेल वगैरह, इनकम टैक्स नंबर, यहाँ लिख के आपने एंटर दबा देना। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस भी है, मान लीजिए आपकी कंपनी कई सालों से शुरू हो रही है, उस कंपनी का आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी है, तो आप ओपनिंग बैलेंस यहाँ डाल दें। जैसे ही आप ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, एंटर दबाएंगे, डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिकली आ जाता है और वही बैलेंस यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में शो भी करेगा। ये ओपनिंग बैलेंस है आपका, एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर आपको शो भी करेगा ये। इसके बाद हमारे पास क्या है, मान लीजिए आपके पास कैश है। देखिए, दो लेजर पहले से बने होते हैं। कौन कौन से लेजर बने होते हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। दो लेजर कौन कौन से बने होते हैं, एक तो हमारा बना होता है कैश का और एक बना होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। और ये भी रूल होता है कंपनी बना लेजर बनाते समय कि जब भी कोई लेजर बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने सेल्स अकाउंट बना लिया, सेल्स का ग्रुप क्या है, सेल्स में आएगा और एंटर दबाएं। सेल का कोई एड्रेस वगैरह तो नहीं होता, एंटर दबा दें, और ना ही खर्च और इनकम का ओपनिंग बैलेंस होता, आपने बना दिया। दोबारा सेल बनाएंगे, सेम नेम से सेल नहीं बनेंगे, क्योंकि क्या कह रहा है, That name is already exist, और enter the different name। जैसे आपके पास सेल दो हैं, एक सेल है 12% टैक्स वाली और लोकल सेल है हमारी, और एक सेल है हमारी 12% इंटरस्टेट। और लेजर हमने बनाए, क्रिएट किया। अब जैसे हमने बैंक का बनाना है, बैंक पीएनबी, बैंक बैंक में आएगा, इनका एड्रेस लिखना है यहां पर पूरा। देखिए, बैंक का अकाउंट आम तौर पे जब भी हम करंट अकाउंट बनाते हैं कंपनी का, तो एक ही अकाउंट होता है, बाकी पर्सनल नाम से अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन वो कंपनी में वैलिड नहीं होता है। बैंक पीएनबी बैंक अकाउंट में आएगा, यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम आएगा, कंपनी का नाम, यहाँ पर उसका आईएफएससी कोड, बैंक का नेम, ब्रांच का नाम, चेकबुक अगर आपने ली है तो उसका यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, चेकबुक किस नंबर से स्टार्ट है, और चेक की कॉन्फ़िगरेशन ये मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि विड्थ क्या है,
हाइट क्या है और चेक को प्रिंट कैसे निकालते हैं, तो ये वहाँ डिटेल आ जाएगी। यहाँ एड्रेस आएगा किस बैंक का है आपका अकाउंट, और वहाँ का एड्रेस आ जाएगा, स्टेट का नाम, पिन कोड, एंटर दबाएं, एंटर। इसके बाद अगर आपने जो लेजर बनाया है उसको ठीक करना है, देखना है तो डिस्प्ले, ये जितने लेजर आपने बनाए हैं सारे आपके सामने आ जाएंगे, और अगर आपने अल्टर करना तो ये अल्टर है, जिस लेजर को ठीक करना है एंटर दबाएं, उस लेजर को आप यहाँ नाम एड्रेस जो भी ठीक करना है, या बाय चांस उस लेजर को डिलीट करना है तो सिंगल लेजर में आल्ट डी, और ये भी ध्यान रखना है इसके अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए, अगर एंट्री है तो पहले एंट्री को यानी जनरल एंट्री को डिलीट करना पड़ेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको लेजर बनाना सिखा रहा हूँ। लेजर बनाने के लिए डिलीट, अगर आपने डिलीट करना है आल्ट डी दबाएं, अल्टर में एंटर दबाएं, आपका 20 कैपिटल यहाँ से लेजर डिलीट हो गया है। जैसे सेल एक्स्ट्रा बन गई हमारी, ये आल्ट डी दबाएं, ये सेल भी हमारी डिलीट हो गई है। यानी सिंगल बनाना है तो आप यहाँ बनाएं, और इकट्ठे बनाने हैं जैसे क्रिएट यहाँ करें। जैसे मान लीजिए हमारे पास वेजेस का है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कमीशन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, स्टेशनरी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बैड डेट्स है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास 5 से 6 अकाउंट एक ही तरह के हैं, जैसे फिक्स एसेट हमारे पास 5 या 6 हैं, तो आप एरो को फिक्स एसेट पे यहीं पर लाइए, अंडर द ग्रुप नेम, यहाँ अंडर द ग्रुप नेम फिक्स एसेट। जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, फिक्स एसेट, मतलब यहाँ पर आपको चूज करने की ऑप्शन नहीं मिलेगा वो। इसके बाद आपके पास कंप्यूटर के बाद मशीन है, ओपनिंग बैलेंस, इसके अलावा आपने फर्नीचर है, ओपनिंग बैलेंस, और एंटर दबाएं, एंटर दबाएं। और अल्टर करना है तो यहाँ पर आप अल्टर कर सकते हैं, इकट्ठे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, और डिलीट यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे अल्टी से। अब कौन कौन से लेजर किस किस ग्रुप में आते हैं मैं एक बार आपको समरी दे देता हूँ। सबसे पहले देखिए बैंक के अंदर बैंक अकाउंट आएंगे जितने भी हमारे पास हैं, ओवरड्राफ्ट में जो आपने ओवरड्राफ्ट लिया वो आएगा, सीसी लिमिट में बैंक की लिमिट अगर आपके पास है तो वो आएगी, अगर कोई ब्रांच का अकाउंट बनाना है तो ब्रांच में आएगा, कैपिटल से रिलेटेड जितने भी लेजर हैं जैसे कैपिटल हो गई, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, वो सारे यहाँ पर आएंगे, कैश का अकाउंट पहले से बना होता है, और अगर आपने कैश के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेजर अल्टर कैश और ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ डालेंगे कैश का जो भी है, और बैंक का जो अकाउंट बना दिया है उसका ओपनिंग बैलेंस अल्टर में जाके डालेगा। जैसे एज कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आपने डालना है तो यहाँ पर आप अल्टर में आए और ओपनिंग बैलेंस आपने डाला, एंटर दबाया, आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। और जैसे आप ओपनिंग बैलेंस डालते हैं आपकी ये बैलेंस शीट वाली ऑप्शन फीड ऑटोमेटिकली हो जाती है, और वो जो ओपनिंग बैलेंस आपने डाला था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा। इसके बाद करंट एसेट में जो भी करंट एसेट हैं वो आ जाएंगी, वैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे कैरेज है, कैरेज रिवर्ड है, वेजेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, लेबर वगैरह, ये सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। बाकी सारे खर्चे इनडायरेक्ट में आएंगे, जैसे ऑफिस स्टाफ का खर्चा, ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, पोस्टल एक्सपेंसेस, सब।
परचेज का अकाउंट अलग बनता है, परचेज परचेज में आता है, और परचेज रिटर्न का अकाउंट भी परचेज में आता है। तो जैसे आपने परचेज का अकाउंट तैयार करना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आए, लेजर में आए, आपने क्रिएट किया परचेज का अकाउंट 5% लोकल परचेज है हमारी, परचेज परचेज में आएगी, इन्वेंट्री वैल्यू यस कर देंगे, परचेज रिटर्न है मान लीजिए 5%, वो भी परचेज ग्रुप में आएगी, लोन जो हमारे पास हैं, सेंडी डेटर कौन होते हैं, जिनको हमने माल बेचते हैं। मान लीजिए हमने लेजर बनानी है, हमने रोहन कंपनी को कमाल को माल बेचा है, रोहन हमारा सेंडी डेटर है, उसका नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, एंटर दबाना है। और अगर हमने किसी कंपनी से माल खरीदा है तो उसको हम कहते हैं सेंडरी क्रेडिटर, उसका नाम एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद डेटर और क्रेडिटर, वो डेटर वो होता है जिसको हम माल बेचते हैं, क्रेडिटर वो होता है जिससे हम माल खरीदते हैं। स्टॉक अगर कोई पड़ा है आपके पास पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक, तो स्टॉक स्टॉक इन हैंड में आएगा। देखिए मैं आपको स्टॉक का अकाउंट बना के दिखाता हूँ, स्टॉक इन हैंड, ओपनिंग हो या क्लोजिंग स्टॉक का एक ही अकाउंट बनेगा, दोबारा अकाउंट नहीं बनेगा, उसी में आप ओपनिंग डाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 25,000 2.5 लाख रुपये ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, फिर आप अगर इसको अल्टर करेंगे ना, एरो को अल्टर में जाएंगे, स्टॉक में जाएंगे, और यहाँ पर आप इसका क्लोजिंग भी डाल सकते हैं। ये देखिए जैसे ही आप ओपनिंग डालेंगे, ओपनिंग इस डेट में आएगा, क्लोजिंग आपका यहाँ डेट लिख के यहाँ सामने क्लोजिंग डालना है आपने, स्टॉक स्टॉक इन हैंड में आएगा। लोन दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, दोनों डालने हैं। इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो हमने लोन दिया हुआ है वो आएगा। ये एक लिस्ट बनाई है हमने, जैसे कंप्यूटर बिल्डिंग, टैक्सेस जो हैं, जितने भी टैक्स हैं, जैसे वैट है, TDS है, GST है, वो हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा। जैसे हमने GST का अकाउंट बनाना है, लेजर में गए, क्रिएट, CGST 5% ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा, SGST 5% ड्यूटी एंड टैक्स में आएगा। इस तरह आप बना सकते हैं। और लेजर को चेक करना है तो अल्टर में जाएं, ये सारे लेजर आपके जो बनाए हैं वो आ जाएंगे।